आपने YouTube पर कोलैप्स बहुत देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कंपनीज के बीच में कोलैप्स, जस्ट ऑटो और हमारा अपना ई बस। सिर्फ इतना ही नहीं, आज मैं आपको देने वाला हूँ हमारी इलेक्ट्रिक रिक्शा का पहला ओवरव्यू। तो अगर हमारी इलेक्ट्रिक रिक्शा आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। क्या है ये कोलैब? जब मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए नई कंपनी आती है तो हर एक इंसान को एक ही क्वेश्चन होता है, सर्विस कैसे मिलेगी? किसी नई कंपनी ने फोन लॉन्च कर दिया, सर्विस कैसे मिलेगी? नई कार लॉन्च हुई है, सर्विस कैसी मिलेगी? उसी तरह अगर नई इलेक्ट्रिक रिक्शा अगर मार्केट में आए तो सर्विस कैसी मिलेगी? मैं बहुत खुश हूँ ये बताने के लिए आपको कि हमारी रिक्शा देगी आपको बेस्ट सर्विस पॉसिबल। इसकी टेक्निकलिटीज में जाए बगैर मैं आपको बताता हूँ इसको छोटे में। ई बस बनाएगी इलेक्ट्रिक रिक्शा और जस्ट ऑटो प्रोवाइड करेगा उसके लिए सर्विस। ये दोनों कंपनीज मिलकर देने वाली है आपको बेस्ट प्रोडक्ट्स और बेस्ट सर्विस। अब जस्ट ऑटो को सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए हमको पहले जस्ट ऑटो को बताना पड़ेगा कि हमारी रिक्शा कैसे बनी है। बस यही करने के लिए हमारे प्रोडक्ट चीफ जो कि हैं जय सर, गए जस्ट ऑटो पर उनकी फैकल्टीज को ट्रेनिंग देने के लिए। जस्ट ऑटो पे अजय सर हमारा ऑलरेडी वेट कर रहे थे, वो पूरे जोश में थे हमारी ईवी को समझने के लिए। हेलो ब्रो, कैमरा में को भी हाय बोल दीजिए। हाय हाय एवरीवन, मेरा नाम अजय कुमार कुशवाहा है और यहाँ पर हम ईवी का ट्रेनिंग ले रहे हैं, ईवी 3 का। सिर्फ आप ही रहने वाले हो यहाँ पे? हाँ, मैं अभी ट्रेनिंग में मैं ही रहने वाला हूँ और पूरा 0 से लेके 100 तक सीखने वाले हैं आज। आज जो पूरा 23 दिसंबर है और आज ईवी में एक्सपर्ट बनने वाले हैं। एज यूजुअल जय सर वहाँ पे ऑलरेडी प्लानिंग के साथ गए थे। सो द प्लान इज कि हम लोग सारे के सारे इलेक्ट्रिकल्स को टेबल के ऊपर रख देंगे सो दैट इट इज इजी फॉर एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड। अब मेरा प्रॉमिस, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दूंगा एक एक्सक्लूसिव ओवरव्यू हमारे रिक्शा का। हेयर इट इज। चलिए, जब तक ये चल रहा है तब तक मैं आपको रिक्शा का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये है इसका फ्रंट व्यू, इसमें देखिए आप कितना अच्छा सा कर्व दिया गया है। ये है इसका साइड प्रोफाइल। नॉर्मली कार्स के अंदर आपको लंबी कार खरीदनी है तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, यहाँ पर रिक्शा आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है जो कि एक नॉर्मल रिक्शा से काफ़ी ज़्यादा लंबा है। इसमें आप देखेंगे तो आपको पीछे दोनों तरफ सीटें मिलेंगी, एक सीट के ऊपर दो लोग तो बहुत ही आराम से बैठ जाएंगे, अगर आप चाहें तो 3 लोगों को भी बैठा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसका रियर व्यू, काफ़ी सिंपल सोबर और बहुत ही स्टाइलिश दिखने वाला है ये। आपको ई बस का लोगो भी मिल जाता है यहाँ पे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर बैठ के। तो आप देख सकते हैं बैठने के बाद भी आपके दोनों के दोनों तरफ बहुत सारी जगह बचती है। आपका स्टेयरिंग भी यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी अच्छे पोजीशन में दिया गया है। नीचे है आपकी ब्रेक्स, आपके पास ये वाली ब्रेक है और आपके पास एक हैंड ब्रेक भी है। मैं आपको बताता हूँ गाड़ी को चालू करके, ये देखिए गाड़ी शुरू हो गई है। आपको ऐसी स्क्रीन मिलेगी इसके अंदर, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपकी बैटरी लेवल कितना है, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा आपका स्पीड कितना है। यहाँ पर आपको वाइपर स्विच मिल जाता है, हैजर्ड लाइट मिल जाता है, आपको यहाँ पर आपका हेडलाइट मिल जाता है और एक और चीज़ आपको यहाँ पर जो मिल जाती है वो है फॉरवर्ड और रिवर्स स्विच। क्योंकि इसके अंदर मोटर है आप दोनों तरफ जा सकते हैं, ये बटन दबाया आप जाएंगे आगे, ये बटन दबाया आप जाएंगे पीछे। मैंने यहाँ पे आपको गाड़ी का ओवरव्यू तो ज़रूर दे दिया, लेकिन गाड़ी चलती कैसी है ये जानने के लिए आपको एक और वीडियो का वेट करना पड़ेगा जो वीडियो बहुत ही जल्द आ रहा है। जस्ट ऑटो पर हमारा ट्रेनिंग सेशन पूरा का पूरा सक्सेसफुल रहा है। अजय सर ने बहुत ही पेशेंटली और डिलिजेंटली रिक्शा को सीखा है और समझा है, और इसका मतलब यह है कि जितनी भी ई बस की इलेक्ट्रिक रिक्शा है उनको मिलेगी बेस्ट इन क्लास सर्विस। अगर आप इंटरेस्टेड है हमारे इलेक्ट्रिक रिक्शा की डीलरशिप के लिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक फोन नंबर है, आप फोन कीजिए, हम आपको असिस्टेंस देंगे। बस मजा, कैसा फील हो रहा है आपको आज? गाड़ी फिट हो जाना चाहिए। हम लोग और बहुत सारी नई नई चीज़ें बताने वाले हैं आपको ये गाड़ी के बारे में,
गाड़ी चलती कैसी है, कैसी जगहों पे कैसी चलती है, इसकी रेंज कितनी है, कितना ज़्यादा वजन ले सकती है, ये सारे वीडियोस आपके पास आने वाले हैं। तो आपको सब्सक्राइब करना ज़रूर बनता है इसके लिए।